जालौर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित देवकी गांव में ब्रह्मलीन योगी राज धन्ना भारती महाराज का दो दिवसीय भंडारा एवं साधु संतों का अभिनंदन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। धन्ना भारती महाराज के दो दिवसीय आयोजित भंडारे एवं स्वागत समारोह में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। 18 मार्च शुक्रवार को जिले सहित आसपास के जिलों एवं बाहर से आए साधु संतों का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस दौरान भैरुनाथ अखाड़े के पीर गंगानाथ महाराज, लेटा महंत रणछोड़ भारती महाराज, लहरगिरी महाराज, शंभुनाथ महाराज सहित बड़ी संख्या में साधु संतों ने कार्यक्रम में भाग लिया। दो दिवसीय आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था जोग भारती द्वारा की गई। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित डाइट परिसर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वावधान में दो दिवसीय जिला स्तरीय कप बुलबुल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डाइट परिसर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बोरी कूद, गर्म आलू, जलेबी खाओ, दही खिलाओ, चम्मच दौड़, बाधा दौड़, पेंटर प्रतियोगिता, गुब्बारा फुलाओ सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जालौर पब्लिक स्कूल, सुबोध, सेंटेंस, विवेकानंद पब्लिक स्कूल से लगभग 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दिनों दिन बढ़ते अपराध एवं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरने के साथ ही शुक्रवार को भीनमाल बंद का आह्वान किया। व्यापार संघ ने बताया कि नगर में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात व चोरी की वारदातों को लेकर एक दिवसीय भीनमाल बंद का आह्वान किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संगठनों, टैक्सी यूनियन तथा नगरवासियों ने बंद को सफल बनाया। व्यापार संघ ने पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए, साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा भीनमाल नगर की समस्याओं को नजरअंदाज करने पर रोष व्यक्त किया गया। इसी के साथ निर्णय लिया गया कि जब तक इन घटनाओं का पुलिस खुलासा नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। साथ ही संगठन की मजबूती और नागरिकों को जागरूक होने की बात कही गयी। मांडोली ग्राम पंचायत में एजुकेट गर्ल्स परियोजना व साक्षरता अभियान के संयुक्त तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिला साक्षरता अधिकारी यज्ञदत्त रुणेचा के निर्देशानुसार नाटक का आयोजन किया गया। नाटक में बताया गया कि आज के समय में प्रौढ़ शिक्षा भी जरूरी है तथा गांव के प्रौढ़ व्यक्तियों को कम से कम हस्ताक्षर करना आना जरूरी है तथा कार्यक्रम में आए सभी लोगों से बुनियादी साक्षरता परीक्षा में भाग लेने के लिए शपथ पत्र भरवाए गए। जिला साक्षरता अधिकारी यज्ञदत्त रुणेचा ने बताया कि रविवार 20 मार्च को होने वाली बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा ग्राम स्तर पर होगी, जिसमें अधिक से अधिक भाग लेकर संपूर्ण जिले को साक्षर करना है। एजुकेट गर्ल्स परियोजना के ब्लॉक अधिकारी हितेंद्र कुमार दवे ने बताया कि आगामी 20 मार्च को होने वाली बुनियादी साक्षरता परीक्षा में गांव के सभी अशिक्षित लोगों को परीक्षा दिलवाकर साक्षर बनाना है। राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त धनाराम पुरोहित 18 मार्च को जालौर आएंगे तथा आगामी 27 मार्च तक जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। कार्यवाहक जिला कलेक्टर आशाराम डूडे ने बताया कि राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त धनाराम पुरोहित 18 मार्च को दोपहर 3 बजे जयपुर से वाया ब्यावर पाली होते हुए जालौर आएंगे तथा 27 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम, होली पर्व पर स्नेह मिलन व धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस अवधि के दौरान वे रात्रि विश्राम जालौर सर्किट हाउस व पैतृक गांव मेड़ा में करेंगे। पुरोहित 28 मार्च को प्रातः 7 बजे जालौर से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा शुक्रवार को जालौर शहर के वार्ड नंबर 20 तासखाना बावड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वार्ड पार्षद मंजू भुतड़ा ने किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएस देवल ने बताया कि शिविर में कुल 251 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया तथा शिविर में 8 टीकाकरण, 8 एनसी बैकअप, 36 हीमोग्लोबिन जांच, 1 ब्लड शुगर एवं 1 ब्लड ग्रुप यूरिन एल्बमिन शुगर जांच की गई। शिविर में शहरी जिला कार्यक्रम प्रबंधक हरफुल घिंटाला ने शिविर में आए लोगों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालपोल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज सिंह भंडारी, मेल नर्स राजकुमार, एलएचवी जोली सैम्यूल, एएनएम मधु व्यास व शशि प्रभा माथुर, एलटी लक्ष्मी नारायण, राकेश गोदारा, राजकुमार, संजू, कविता, अरवन, पीएससी लेखाकार दीपेंद्र सिंह, हरीश पुनिया तथा आशा सहयोगिनी निर्मला, सरिता, दरिया व शहनाज बानो ने अपनी सेवाएं दी। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित आवासीय कॉलोनी ईशम नगर के बच्चों ने मुखबधिर आवासीय छात्रावास में बच्चों के साथ होली खेलकर खुशियां बांटी। इस दौरान मुखबधिर छात्रावास के बच्चों के साथ स्थानीय कॉलोनी ईशम नगर के बच्चों द्वारा रंगों का त्यौहार होली के पहले उन बच्चों के साथ मिलकर होली खेली एवं मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान मुखबधिर के छात्र एवं कॉलोनी के बच्चों सहित छात्रावास के स्टाफ मौजूद थे।